हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग लेकर आया हूं साउथ फेस हाउस प्लान, मतलब कि मकान का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। और अगर बात करते हैं प्रॉपर्टी की तो मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। और जो आज ये मैं डिज़ाइन लेकर आए हैं वो फ्लैट सिस्टम है, 2 BHK के 2 फ्लैट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो आपको कंस्ट्रक्शन एरिया दिख रहा है इसके चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है उसकी हम आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं जहाँ होना है। तो यहाँ से देखिए, जो हमारी मकान की चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमारे पास है 32 फिट, 32 फिट चौड़ाई के अंदर है हमारी मकान की। और जो हमारी मकान की लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 61 फिट। दोनों फ्लैट की जो लंबाई और चौड़ाई वो 32/61 के अंदर टोटल एरिया के अंदर हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो होना है, ठीक है। और ईस्ट के अंदर इनकी खुद की प्रॉपर्टी, नॉर्थ के अंदर इनकी खुद की प्रॉपर्टी, और वेस्ट के अंदर भी इनकी खुद की प्रॉपर्टी, और साउथ के अंदर भी इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो साउथ फेस के अंदर हमने इसको मकान को रखा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारा साउथ फेस है यहाँ से हम स्टेयर के नीचे से हमें एंटर करना है, ठीक है। स्टेयर केस हमारा यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 4 फिट × 8 फिट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे स्टेयर केस के नीचे से आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारा लैंडिंग बना हुआ है। और फिर हमारा दोनों फ्लैटों का यहाँ पर एक मेन डोर यहाँ पर है फ्लैट का, और दूसरे फ्लैट का मेन डोर यहाँ पर है, ठीक है। और ये आप जितने भी फ्लोर बनाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका चलता रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हम पहले इस घर के अंदर चलते हैं। तो ये हम जैसे 4 फिट का मेन डोर खोलते हैं तो हम पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर। हमारा पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया जिसकी हमारे पास साइज है 11 फिट × 23 फिट 2 इंच, 11 फिट × 23 फिट 2 इंच का ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर सोफे लग जाएंगे, यहाँ पर बीच में टी टेबल, यहाँ पर डाइनिंग टेबल, और यहाँ पर आपका टीवी पैनल लग जाएगा, ठीक है। और इस डाइनिंग और लिविंग एरिया की 4 फिट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। अब मेन डोर के इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फिट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फिट 7 इंच × 7 फिट है, 5 फिट 7 इंच × 7 फिट का हमारे पास कॉमन टॉयलेट है, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट वापस बाहर आता है, इसके जैस पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फिट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11/12, 11 फिट × 12 फिट का ये हमारा बेडरूम है, जिसके अंदर यहाँ पर बेड, यहाँ पर टीवी पैनल और यहाँ पर वार्डरोब हो जाएगी। और इस बेडरूम की 4 फिट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया, और इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 3.5 फिट का दरवाजा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11/12, 11 फिट × 12 फिट का किचन है, जहाँ पर आपका यहाँ पर वर्किंग का स्लैब लग जाएगा। और इस किचन की एक 4 फिट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर और एक 4 फिट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। किचन से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए हमारा पूजा रूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 5/5, 5 फिट × 5 फिट का ये हमारा पूजा रूम है, जिसकी 3 फिट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। पूजा रूम से वापस बाहर आते हैं इसके जस्ट पास में इस तरफ देखिए 3.5 फिट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11/12, 11 फिट × 12 फिट का ये हमारा बेडरूम है, जिसके अंदर यहाँ पर बेड और इसके सामने टीवी पैनल लग जाएगा। और इस बेडरूम का यहाँ पर देखिए एक 4 फिट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर और एक 4 फिट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर 2.5 फिट का दरवाजा और ये अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 5/7, 5 फिट × 7 फिट का अटैच टॉयलेट है, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन भी उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। अब इस अटैच टॉयलेट वापस बाहर तो ये बेडरूम, और बेडरूम से वापस बाहर तो ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया। ये आपका जो एक फ्लैट है 2 BHK का वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस मेन डोर से वापस बाहर चलते हैं तो ये हमारा लैंडिंग हुआ। अगर किसी को ऊपर जाना है तो आप यहाँ से फ्लैट के सिस्टम में पूरा, तो आप यहाँ से अपना जितना भी फ्लोर है उसके अंदर आप जाके अपना मेन डोर से घर के अंदर एंटर हो सकते हो, ठीक है। ये हमारा दूसरे घर का मेन डोर है, मुख्य दरवाजा 4 फिट का। इस मेन डोर को हम जैसे खोलते हैं तो हम पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फिट × 17 फिट 9 इंच, 11 फिट × 17 फिट 9 इंच का ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर सोफा, यहाँ पर टी टेबल, यहाँ पर डाइनिंग टेबल लग जाएगी और यहाँ पर टीवी पैनल लग जाएगा। और इस हमारे डाइनिंग और लिविंग एरिया की 4 फिट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 3.5 फिट का दरवाजा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11/12, 11 फिट × 12 फिट का ये हमारा किचन है, जिसके अंदर यहाँ पर हमारा स्लैब लग जाएगा वर्किंग का। और इस किचन की 4 फिट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। किचन से वापस बाहर आते हैं, इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 3.5 फिट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11/12, 11 फिट × 12 फिट का ये हमारा बेडरूम है, जिसके अंदर यहाँ पर बेड, यहाँ पर टीवी पैनल लग जाएगा। और इस बेडरूम की 4 फिट की विंडो हमारी दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए 2.5 फिट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 4 फिट × 12 फिट, 4/12 का अटैच टॉयलेट है, जिसका 1-2 फिट का वेंटिलेशन दक्षिण दिशा के अंदर और 1-2 फिट का वेंटिलेशन पीछे पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। अभी अटैच टॉयलेट से वापस बाहर आते हैं हमारा बेडरूम, और इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 2.5 फिट का दरवाजा और ये हमारा कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5/8, 5 फिट × 8 फिट का कॉमन टॉयलेट है,
जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट वापस बाहर आता है जिसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट × 12 फीट 6 इंच। 12 फीट × 12.5 फीट का हमारा बेडरूम है जिसके अंदर यहाँ पर बेड, यहाँ पर वार्डरोब और बेड के सामने यहाँ पर टीवी पैनल लग जाएगा। और इस बेडरूम की एक 4 फीट की विंडो पश्चिम दिशा के अंदर और एक 4 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। तो चलिए मैं अब आपको एक साथ दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमारी दक्षिण दिशा हुई और यहाँ पर हमारा स्टेयरकेस है, यहाँ पर लैंडिंग बना हुआ है। इन दोनों घर का मेन डोर एक इस तरफ है और एक इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर किचन, पूजा रूम, बेडरूम, इस बेडरूम के अटैच टॉयलेट, ये कॉमन टॉयलेट और ये दूसरा बेडरूम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो घर का मेन डोर, इसको हम जैसे खोलते हैं तो ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर किचन, यहाँ पर बेडरूम, इस बेडरूम के अटैच टॉयलेट, ये कॉमन टॉयलेट और ये बेडरूम हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।